हाय एवरीवन, गर्मियों में ठंडा ठंडा पीने का तो सभी को बहुत मन करता है, तो आइए आज हम बनाते हैं गर्मियों के लिए स्पेशल रबड़ी फालूदा। तो आज ये हम रबड़ी फालूदा बनाएंगे एकदम इंस्टेंटली, और इसके लिए आपको पहले से कोई भी तैयारी करके रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और एकदम झटपट ये ड्रिंक तैयार हो जाता है और गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसे पीकर आप तरोताज़ा भी हो जाएंगे और साथ ही साथ पेट भी भरेगा, और इसे पीने के बाद आप दिन भर एनर्जी महसूस करेंगे और आपको थकावट भी नहीं होगी। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और साथ में काफ़ी हेल्दी भी है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बनाना ये इंस्टेंट रबड़ी फालूदा। तो सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे फालूदा। तो यहाँ पे हम इंस्टेंट फालूदा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पतीले में 2 ग्लास पानी डाल दिया है गर्म होने के लिए। जब पानी में बॉईल आ जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे सेमई। तो यहाँ पे मैंने सूजी वाली सेवई का यूज़ किया है। तो यहाँ पे 1 कप सूजी की सेवई मैंने पानी में डाल दी है और इसको अब हम बॉईल करेंगे और ये सेवई को हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसको बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, और पकाते समय इसको बीच बीच में एक दो बार चलाना भी है। साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे 2 ड्रॉप येलो जेल फूड कलर, ताकि ये फालूदा का कलर हल्का सा येलो हो जाए। अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी सेवई है ये अच्छे से पक चुकी है, सॉफ्ट हो गई है। तो इसको इस तरीके से एक बार चेक कर लेंगे। तो ये देखिए सेवई बिल्कुल अच्छे से पक गई है और सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसे हम स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से स्ट्रेनर की मदद से सेवई को हम छान लेंगे और अलग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों तैयार है हमारा इंस्टेंट फालूदा। तो अब इसे हम ठंडा होने देते हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हम बनाएंगे रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी हैवी बॉटम कढ़ाई मैंने ली है, या मैंने इंडस वैली की कढ़ाई यूज़ की है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो कढ़ाई में हम ले लेंगे यहाँ पे 2 कप दूध। अब गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम हाई और दूध में उबाल आने देंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कुछ केसर के धागे कलर के लिए, और साथ ही साथ इसमें केसर का अच्छा सा हल्का सा फ्लेवर भी आ जाएगा। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब इस तरीके से चलाते हुए दूध में उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है। अब साथ ही साथ इसमें ऐड कर देना है चीनी। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी। तो ये देखिए 1/4 कप चीनी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जल्दी से घुल जाए। तो यहाँ पे हम चीनी की मात्रा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है दूध में, और दूध को मैंने 1 मिनट के लिए सिमर भी कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 ब्रेड स्लाइस। तो यहाँ पे ब्रेड स्लाइस के चारों तरफ जो ब्राउन पार्ट होता है ना, उसको मैंने ट्रिम करके हटा लिया है, और अब ब्रेड को तोड़ तोड़ कर हम दूध में ऐड कर देंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा, हमारी जो रबड़ी है एकदम इंस्टेंटली बन जाएगी, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दूध को उबालने और घंटों तक चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंट रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से तोड़ तोड़ कर ब्रेड को हम डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों मैंने ब्रेड को छोटे टुकड़ों में तोड़कर दूध में मिला लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ब्रेड के पीसेस दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। गैस का फ्लेम हम लो मीडियम रखेंगे, और ये देखिए इस तरीके से मिलाने के बाद इसको करीब 1 मिनट के लिए हमें पकाना है। 1 मिनट में ये दूध अच्छा गाढ़ा और मलाईदार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा मैश कर देंगे ताकि ब्रेड अच्छे से मिक्स हो जाए दूध के अंदर। देखिए दूध एकदम गाढ़ा मलाईदार हो गया है और हमारी बिल्कुल परफेक्ट रबड़ी तैयार हो गई है। तो यहाँ पे हम रबड़ी को थोड़ा सा पतला ही रखेंगे, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो थोड़ी सी और गाढ़ी होगी। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं और इसको अब हम ठंडा होने देते हैं। लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून क्रश की हुई इलायची फ्लेवर के लिए, और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको रबड़ी के अंदर। और ये देखिए हमारी इंस्टेंट रबड़ी तैयार हो गई है ना, बिल्कुल आसान सा तरीका। तो अब इसे हम ठंडा होने देते हैं और इधर हम सोक कर लेते हैं सब्जा सीड्स। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून सब्जा सीड्स को हम एक कटोरी में ले लेंगे और इसमें पानी डालकर इसको 10 मिनट के लिए सोक होने देंगे। तो यहाँ पे करीब 1 कप पानी इसमें मैंने डाल दिया है और अब इसे हम 10 मिनट के लिए सोक होने देते हैं।
और ये देखिए 10 मिनट में सब्जा सीड्स अच्छे से सोख हो चुके हैं। ये देखिए ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और ये गर्मियों में काफ़ी ठंडक देते हैं, तो इसलिए हमें ड्रिंक्स में इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए रबड़ी फालूदा को हम सर्व कर लेते हैं टॉल ग्लास में। तो यहाँ पे ग्लास में हम सबसे पहले ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सब्जा सीड्स। अब इसमें हम डालेंगे फालूदा जो हमने बना कर रखा था, तो यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून फालूदा डालेंगे और उसके ऊपर हम ऐड करेंगे इंस्टेंट रबड़ी जो हमने बनाकर और ठंडी चिल्ड करके रखी है। तो चिल्ड रबड़ी हमें यहाँ पे डाल देना है ग्लास में। आप देख सकते हैं ये अभी से देखने में कितनी ज़्यादा एपेटाइजिंग लग रही है, बहुत ही सुंदर और डिलीशियस ड्रिंक है। और इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसे डेकोरेट कर देंगे बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता से। ये देखिए देखने में ये और ज़्यादा एपेटाइजिंग लगने लगा है, बहुत ही बढ़िया डिलीशियस और हेल्दी ड्रिंक है ये। तो ये देखिए दोस्तों तैयार है हमारी रबड़ी फालूदा, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनी है। तो देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये रबड़ी फालूदा हमारी कैसी बनी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत कम मेहनत में ये आसान सी ड्रिंक बन जाती है और बड़े तो क्या बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो तैयार है हमारी ठंडी ठंडी रबड़ी फालूदा, तो आइए इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए कितना लाजवाब ये ड्रिंक बना है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस तरीके से ताकि जो सारी चीज़ें हमने ऐड की हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद ये देखिए बहुत ही लाजवाब ये रबड़ी फालूदा हमारा तैयार है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बना है। तो आई होप दोस्तों आज की ये रबड़ी फालूदा की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ये बिल्कुल इंस्टेंट रेसिपी है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक देना मुझे बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।